इसी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश को शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही इस मामले में कई कड़े निर्णय लेने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जारी करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाने की अपील की है। सरकार की तरफ से सोलिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। तुषार ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से कई लोगों के नाम गलत ढंग से जोड़े गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि करीब 20% लोगों का दोबारा सत्यापन किया जाए। मेहता ने कहा कि भारत को विश्व के शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने दिया जा सकता। केंद्र की तरफ से दलील दी गई है कि NRC लिस्ट में असम के सीमावर्ती जिलों की सूची में लाखों बांग्लादेशियों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए हैं। इससे NRC में लाखों अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कई लोगों की पहचान का वेरिफिकेशन करना भी अभी बाकी है, इसलिए NRC की डेडलाइन की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सरकार की दलील से सहमत नजर नहीं आते हैं। रंजन गोगोई ने हजेला रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सभी क्लेम का निपटारा करते हुए 80 लाख नामों को दोबारा से चेक कर लिया गया है। ऐसे में यहां सैंपल के दोबारा सत्यापन की जरूरत ही नहीं बचती। साथ ही उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय कर दी है। SPN न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़।